Hello students, happy Monday to you. And in this video I used to discuss some of the words which I used to take from the Hindu newspaper on a regular basis. The students or people who are interested in learning some new words every day can go through this video and can update their vocab section. So without wasting any of your time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is ornate. It means having a lot of complicated decoration. मीन्स बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन, अजीब अजीब तरीके से आपने बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेट कर दिया, मीन्स सजा दिया है. फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स आर पुट ऑफ स्टडिंग हिज वर्क बिकॉज ऑफ द ऑर्नेट लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री. मीन्स कुछ बच्चे, इतना ज़्यादा टाइम लगता है उसे पढ़ने में क्योंकि जो वो पोइट्री पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसे सजाया गया है. सिनोनिम्स हैं ब्यूटिफुल, एलिगेंट. एंटोनिम्स हैं डल, प्लेन, प्लेन. Next word is dingy. It means thickly covered with ingrained dirt or soot. Means गंदगी, धूल, मिट्टी, इन सब चीज़ों से कोई चीज़ covered है. For example, her hair was a dingy brown color. उसका जो बाल है वो brown है और बहुत ही गंदा है. Synonyms है dirt, drab. Antonyms है bright, clean. Next word is scald. It means to burn the skin with boiling liquid of steam. Means स्किन को जलाना गर्म पानी से, उबलता हुआ पानी से. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रॉप्ड अ पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्कैल्ड माय लेग. मेरे हाथ से एक पैन पानी का गिर गया, गर्म पानी, उबलता हुआ पानी का, जिससे मेरा पैर ख़राब हो गया, मीन्स उस पर वो जल गया. सिनोनिम्स है ब्लांच, हीट. एंटोनिम्स है ब्रीज, लाउड. नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट. इट मीन्स एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग ईजिली एंड क्लियरली. मीन्स आप अपने भावनाओं को अच्छे से और ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ विटी, इंटरटेनिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीच. उसने इतना अच्छा स्पीच दिया, इतने आराम से दिया कि वो जो बताना चाहती थी अच्छे से और आराम से बता दिया और लोगों को समझ में भी आया. सिनोनिम्स एक्सप्रेसिव, एलोक्वेंट. एंटोनिम्स मिसरिप्रेजेंटेड, क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज मैंटल. इट मीन्स अ कवरिंग और अ लेयर ऑफ समथिंग दैट कवर्स अ सर्फेस. मीन्स ऐसा लेयर जो किसी चीज को छुपा रहा है, मीन्स किसी सर्फेस को कवर कर रहा है. जैसे आपका डाइनिंग टेबल होता है, आप उसके ऊपर एक कवर लगाते हो, तो क्या है वो? एक मैंटल है. फॉर एग्जाम्पल, दे एस्केप्ड अंडर द मैंटल ऑफ डार्कनेस. वो लोग अंधेरे के चांस में वो भाग गए. अंधेरा था इसलिए वो भाग गए, मीन्स उसका हेल्प से. Synonyms है veil, blanket. Antonym है uncover. Next word is dodge. It means to avoid something unpleasant. Means कुछ गलत होने वाला है और आप उसको छोड़ देते हो, मीन्स उससे आप बच जाते हो, धोखा दे देते हो आप उस चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, द सेनेटर डॉज्ड क्वेश्चंस अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द एक्ट्रेस. जो सेनेटर है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो उसने डॉज कर दिया, मीन्स उसने चकमा दे दिया कि कोई उसके और एक्ट्रेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में कोई बात ना कर सके. सिनोनिम्स है प्लॉय, स्कीम. एंटोनिम है रियल. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे एंड विल बी बैक विद सम मोर वर्ड्स इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.